नमस्कार, एसबीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 जुलाई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा की कैडर व्यवस्था का पुनर्निर्धारण कर इस कैडर में पदों की संख्या 867 से बढ़ाकर 997 करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस विषय में प्राप्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव में राज्य पुलिस सेवा कैडर के आखिरी बार निर्धारण के बाद सृजित अथवा समाप्त किए गए विभिन्न वेतनमान के पदों को शामिल किया गया है। गृह विभाग के प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा के नवीन प्रस्तावित कैडर में हायर सुपर टाइम स्केल के 2 पद, सुपर टाइम स्केल के 137, चयनित वेतनमान के 111, वरिष्ठ वेतनमान के 144 तथा साधारण वेतन के 607 पदों सहित कुल 997 पद शामिल हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 4 नवसृजित अपर जिला न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी के लिए लोक अभियोजकों सहित 12 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। एक सरकारी बयान के अनुसार गहलोत ने कुचामन सिटी, लांडनू, निवाई एवं बस्सी के नवसृजित अपर जिला न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक के 4 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसी के साथ उन्होंने क्लर्क ग्रेड द्वितीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 4-4 पद सृजित करने की भी मंजूरी दी है। राजस्थान के पुजारियों ने मंदिर माफी की जमीनों को भू माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराकर उन्हें सौंपने की मांग उठाई है। राज्य सरकार से ये भी मांग की है कि मंदिर माफी की जमीनों की खातेदारी का अधिकार वापस पुजारियों को दिया जाए। पुजारियों में मंदिरों की समस्याओं को लेकर मठ मंदिर पुजारी महासंघ एवं अखिल राजस्थान पुजारी महासंघ जिला शाखा जयपुर सम्मेलन में निर्णय लिया गया। सम्मेलन में हाथोज धाम के स्वामी बाल मुकुंद आचार्य महाराज के मुख्य आतिथ्य में सरकार से मांग की गई कि पुजारियों के मंदिर माफी से संबंधित सभी समस्याएं दूर कर भू माफियाओं के कब्जे से मंदिर माफी की जमीनों को वापस पुजारियों को दिलाया जाए। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में सावन के पहले सोमवार को बादल जमकर बरसे। झालावाड़ के पिड़ावा क्षेत्र में गगरीन बांध क्षेत्र में 24 घंटे में 10 इंच बारिश दर्ज की गई। गगरीन बांध पर चादर चल रही है। जिले में चंवली, आहू, कालीसिंध आदि नदियां उफान पर रही। मध्य प्रदेश में हो रही बरसात से राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर बहने वाली चंबल व शिप्रा नदी उफान पर चल रही है। कालीसिंध बांध के 3 गेट खोलकर 35,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। गागरौन दरगाह पर जियारत करने गए 98 ज्वारीन दूसरे दिन भी फंसे रहे। देश के 16 शहरों में हुए एक सर्वे के मुताबिक 73% भारतीयों में प्रोटीन की कमी है और 93% लोगों को इसकी जानकारी भी नहीं है, जबकि कोरोना काल में प्रोटीन की ज्यादा जरूरत है। संक्रमण के बाद कमजोर हो चुकी मांसपेशियों और रोगों से लड़ने वाले इम्यून सिस्टम के लिए एक्सपर्ट प्रोटीन लेने की सलाह दे रहे हैं। प्रोटीन की कमी होने पर मरीज थकान, कमजोरी, चलने फिरने में दिक्कत और अनिद्रा से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि शरीर में हुए डैमेज को रिपेयर करने का काम प्रोटीन ही करता है, लेकिन 90% लोग यही नहीं जानते कि रोजाना कितना प्रोटीन लेना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा 95% से अधिक महिलाएं शामिल हैं। नतीजा 71% भारतीयों की मांसपेशियां कमजोर है। संसद का मॉनसून सेशन सोमवार को भी काफी हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में पेगासस जासूसी मामले और कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही में लगातार रुकावट आती रही। हंगामे के चलते आखिरकार दोनों ही सदनों की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्रैक्टर से संसद पहुंचना सुर्खियों में रहा। राहुल गांधी 3 कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे। ट्रैक्टर पर उनके साथ राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा और पार्टी के कुछ अन्य सदस्य बैठे थे। भारत को टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल दिलाने वाली मीराबाई चानू टोक्यो से भारत लौट आई हैं। मीरा का सिल्वर मेडल इस बार के ओलंपिक में अब तक का भारत का इकलौता मेडल रहा है। वे ओलंपिक के पहले दिन मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीराबाई का जोरदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट स्टाफ ने भारत माता की जय के नारे लगाए, साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस दौरान मीरा की RT-PCR जांच भी की गई। मीरा के साथ उनके कोच विजय शर्मा भी लौटे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर व उद्यान अधीक्षक पदों के लिए समीक्षा परीक्षाओं के आयोजन अजमेर जिला मुख्यालय पर किए जाएंगे। असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर परीक्षा 27 व उद्यान अधीक्षक परीक्षा 28 जुलाई को होगी। आयोग की ओर से इसके लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं।
आयोग के अनुसार 27 जुलाई को सार्वजनिक निर्माण विभाग में असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर पदों की भर्ती के लिए समीक्षा परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगी। इस परीक्षा में करीब 500 अभ्यर्थी बैठेंगे। कोरोना काल में लंबे अरसे तक ट्रेनों का संचालन बंद रहने के बाद अब रेलवे आय के नए स्रोत तलाश रहा है। जोधपुर से बजरी का परिवहन शुरू करने के बाद अब उद्यमियों के साथ बैठक आयोजित करने जा रहा है जोधपुर मंडल की बीडीयू की जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ 27 जुलाई को बैठक आयोजित होगी। रेलवे के यूनियन नेताओं की जासूसी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ रेलवे कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। जयपुर जंक्शन के साथ साथ करीब 125 रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार कर्मचारियों की आवाज को दबाना चाहती है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव और JCM सचिव शिव गोपाल मिश्रा का नाम पेगासस सॉफ्टवेयर की सूची में जासूसी कराने का नाम सामने आया। इसी बात को लेकर केंद्र सरकार के विरोध में देश भर में सोमवार को करीब 7,58,000 रेल कर्मियों ने धिक्कार दिवस मनाया। टोंक में 2 दिन तक एक के बाद एक कई कार्यक्रम, लोगों से मुलाकात, मेल मिलाप और सियासी चर्चाओं के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र टोंक से राजधानी जयपुर के लिए रवाना हो गए। दोपहर बाद जयपुर पहुंच गए। 2 दिन तक पायलट ने लोगों की समस्याओं के लिए जनसुनवाई के आयोजन किए। सोमवार सुबह सुबह भी जनसुनवाई की, लोगों की समस्याओं का समाधान का भरोसा जताया। बाद में वे जिले के प्रमुख उद्योगपति मोइन निजाम से उनके कारखाने में जाकर मिले। बताया जा रहा है कि लंबे समय से व्यापार और उद्योग समाज के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला ये परिवार पायलट से नाराज चल रहा था। देश में इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए जासूसी के खुलासे के बाद पश्चिमी बंगाल सरकार ने इसकी जांच कराने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को इसके लिए एक कमीशन बनाया है। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस मदन भीमराव और पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिर्मय भट्टाचार्य को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत सरकार मामले की जांच कराने से इनकार कर चुकी है। दुनिया में फ्रांस इकलौता देश है जो जासूसी कांड की जांच करा रहा है। वल्लभ नगर के पूर्व विधायक एवं जनता सेना के सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया से कहा कि वल्लभ नगर में कौन पहले व तीसरे नंबर पर रहेगा, ये गलतफहमी दूर करनी है तो कटारिया मेरे सामने चुनाव लड़ने पता चल जाएगा। कटारिया के अब वल्लभ नगर में भिंडर को टिकट देने का सवाल ही नहीं उठता के बयान पर रणधीर सिंह को पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सवाल तो तब उठता जब मैं प्रार्थना पत्र लेकर कटारिया जी के पास जाता कि मुझे पार्टी में ले लिया जाए। मैं कभी उनके पास तो गया ही नहीं। मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पर पूरा विश्वास है, मेरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। भामाशाह जवाहर नेतर ने लगभग 1 करोड़ की भूमि दान की, जिसकी रजिस्ट्री सोमवार को तहसील कार्यालय नावा में तहसीलदार गुरु प्रसाद तंवर द्वारा प्रधानाचार्य सुलेखा स्वामी के नाम अपने कार्यालय में प्राथमिकता क्रम में की गई। इस अवसर पर भूमि दानदाता जवाहर नेतर, स्कूल प्रधानाचार्य सुलेखा स्वामी, ग्राम सरपंच त्रिलोक शेषमा, भू निरीक्षक लक्ष्मण राम लोरा, गंगाराम डूडी, नानूराम एडवोकेट सुरेंद्र सेवर, स्कूल कंप्यूटर शिक्षक सुनील सैनी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। विद्यालय भामाशाह प्रभारी वरिष्ठ अध्यापक उमेश सिंह धायल ने बताया कि जल्द ही विशाल विद्यालय भवन की नींव उप मुख्य सचेतक और नामा विधायक महेंद्र चौधरी करेंगे। अजमेर डिस्कॉम ने बिजली चोरी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिजली चोरी और गलत इस्तेमाल के 1321 मामले पकड़े हैं। निगम की टीम ने 3721 परिसरों की जांच की। बिजली चोरों के खिलाफ 2,18,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। डिस्कॉम ने इस बार अजमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद एवं उदयपुर जिलों में छापेमार कार्यवाही कर बिजली चोरी व अनियमितताओं के मामले दर्ज किए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।